हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं शत्रुघ्न फिटनेस। तो भाई लोग, आज हम लोग ट्रेन करेंगे अपने बाइसेप्स को और ट्राइसेप्स को। तो भाई लोग, आज मैं आप लोगों को तीन ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज बताऊंगा और तीन बाइसेप्स का एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसको कि करके आप अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को तेजी से बना लेंगे और आपके हाथों का साइज भी बड़ा बड़ा दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। तो हम लोगों का पहला एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप्स। आपको डायमंड पुशअप्स कैसे करना है, आपको अपने दोनों हाथों को क्लोज में रखकर डायमंड की आकार में बनाकर फिर इस एक्सरसाइज को आपको अपने जैसे आप पुशअप्स लगाते हो वैसे पुशअप्स की अवस्था में होकर इस एक्सरसाइज को स्लो स्लो नीचे लेके जाए, फिर स्लो ऊपर आए, तभी आपके ट्राइसेप्स पे ज़्यादा फील आएगा और आपका ट्राइसेप्स तेजी से गेन होगा। स्लो नीचे फिर स्लो ऊपर, फिर स्लो नीचे स्लो ऊपर। ऐसे ही आपको तीन सेट लगाने और हर सेट में आप 10 से 12 रेपिटेशन निकालने की जरूर कोशिश करें। तो हम लोगों का दूसरा एक्सरसाइज है डंबल किक बैक। कैसे करना है आप लोगों को, आपको अपने कमर को झुका लेना है और अपने हाथों को पीछे की तरफ ऐसे लेके जाना है और आपको पीछे की तरफ ले जा करके आप थोड़ा होल्ड करें, फिर आप आगे की तरफ लेके आए। तो ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ले जाकर फिर होल्ड करें, फिर आपको आगे की तरफ लाना है। तो आप लोगों को एक्सरसाइज करके दिखाते हैं। तो आपको अपने कमर को सीधा रख लेना है और आपको अपने डंबल्स को पीछे की तरफ लेके जाना है। आप चाहे तो दो डंबल्स लेकर भी, दो डंबल्स के साथ भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। होल्ड आप अपने हाथों को पीछे ले जाकर होल्ड करें। होल्ड करने से क्या होता है कि आपके मसल्स में फील आता है, तो आपका मसल्स तेजी से गेन होता है। इस एक्सरसाइज के भी आपको तीन सेट लगाने और इसमें भी आप 10 से 12 रेपिटेशन निकालने हैं। तो हम लोग अपना तीसरा एक्सरसाइज करेंगे, अपना ट्राइसेप्स का तीसरा एक्सरसाइज करेंगे ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। आपको ट्राइसेप्स एक्सटेंशन कैसे करना है, आपको आप चाहे तो खड़ा होकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और आप चाहे तो बैठ कर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो मैं तो इस एक्सरसाइज को बैठ के कर रहा हूँ। आप किसी भी जगह बैठ जाएं और अपने हाथों को ऐसे करके अपने डंबल को ऊपर करें और फिर आपको स्लो स्लो नीचे फिर स्लो ऊपर। अगर आपका हाथ ज़्यादा हिलता डुलता है तो आप अपने हाथों को ऐसे पकड़ भी सकते हैं, पकड़ करके इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप जितना रेपिटेशन इस हाथ से निकाल रहे हैं उतना रेपिटेशन आप इस हाथ से भी निकालें और आपको इस एक्सरसाइज के भी तीन सेट लगाने और इसमें आप 15 से 20 रेपिटेशन निकालने की कोशिश करें। और आप हल्का वेट से करते हैं तो आप ज़्यादा रेपिटेशन निकाल सकते हैं और अगर आप भारी वेट से करते हैं तो आप कम ही रेपिटेशन निकालें। तो यह था आज का। तो हम लोग आप ट्रेंड करेंगे अपने बाइसेप्स को। बाइसेप्स के लिए हम लोग करेंगे बाइसेप्स कर डंबल बाइसेप्स कर। अगर आप डंबल्स नहीं है तो आप मार्बल से भी मार्बल कर लगा सकते हैं। तो हम लोग डंबल से लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी जगह बैठ जाना है, अपने बेंच पर या कहीं भी बैठ जाना है। आप चाहे तो खड़े होकर भी इस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप क्या करें,
थोड़ा लेके आए जब, तो थोड़ा अपने हाथों को होल्ड करें, फिर नीचे, फिर अगर आप अपने हाथों को होल्ड कर दें तो आपके मसल्स पे अच्छा फील आएगा और आपका मसल्स अच्छे से पंप होगा। इस एक्सरसाइज की आपको 3 सेट लगाने हैं और इसमें आप 10 से 12 रिपीटेशन इसमें भी निकाल रहे हैं। तो हम लोग अपना बाइसेप्स का अगला एक्सरसाइज करेंगे, डंबल हैमर कर्ल। आपको डंबल हैमर कर्ल कैसे करना है, आपको अपने डंबल्स को ऐसे सीधे कर लेना है और आपको चाहे तो आप दोनों हाथ से भी कर सकते हैं या आप एक हाथ से भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक हाथ से करेंगे। जब भी आप ऊपर की तरफ लाएं तो थोड़ा होल्ड करें अपने हाथों को। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने हैं और आप इसमें भी 10 से 12 रिपीटेशन निकालने की जरूर कोशिश करें। अगर आपके पास हैवी वेट है तो आप हैवी वेट से भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपके बाइसेप्स का जो चौड़ाई है वो भी बढ़ेगा और आपका आगे से भी अच्छा दिखेगा और पंप आएगा। तो हम लोग अपना तीसरा एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप्स का तीसरा एक्सरसाइज करेंगे, बाइसेप्स कॉन्स्टेशन कर लें। तो हम लोग अपना बाइसेप्स का तीसरा एक्सरसाइज करेंगे, कॉन्स्टेशन कर लें। आपको कैसे करना है, आपको अपने हाथों को अपने पैरों पर घुटने पर रख लेना है और आपको एक्सरसाइज करना है। आपको कैसे करना है, आपको आपको ज़्यादा लोड अपने पैरों पर नहीं देना है, स्लो, फिर आपको होल्ड करना है थोड़ा, फिर स्लो नीचे, फिर ऊपर, फिर होल्ड। तो आप लोगों को क्या करना है, आप जितना रिपीटेशन इस हाथ से निकालना है उतना ही रिपीटेशन आप इस हाथ से भी निकालें। और भाई लोग, आप लोग क्या, कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइज बाइसेप्स का ही करते हैं, ट्राइसेप्स का बहुत ही कम एक्सरसाइज करते हैं। तो आप ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके बाइसेप्स से ज़्यादा आपके ट्राइसेप्स का साइज बड़ा होता है। आप इसलिए आप अपने ट्राइसेप्स पे ज़्यादा ध्यान दें और ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज करें। कुछ लोग क्या करते हैं, डेली बाइसेप्स का एक्सरसाइज करते हैं और ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज करते ही नहीं है। तो आपके आपके मसल्स का साइज कैसे बड़ा होगा। तो आप लोग कोई भी एक्सरसाइज डेली ना करें, आपके मसल्स को रिकवर होने के लिए आपके मसल्स को टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए आप और भाई लोग, आप अपने बाइसेप्स से ज़्यादा अपने ट्राइसेप्स पे ध्यान दें, क्योंकि आपके ट्राइसेप्स का साइज बढ़ेगा तो ही आपके हाथों का साइज बड़ा दिखेगा। तो यही था आज का हमारा ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के ऊपर वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, हो यार चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।